ये पिता है उनके पिता है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार जी, आज आपकी लड़की बरामद की गई है। कुछ दिन पहले, 8-10 माह पहले जो है इसका अंतिम संस्कार भी किया गया था। क्या है पूरा मामला? तो ऐसा था, उसमें मतलब कि हम हमारे पास एका पुलिस का फोन आया था जी, और उसने हमें बुला के मतलब ये कहा ये लड़की तुम्हारी है, और उन्होंने फोटो देखे तो हमने देखा तो उसको मतलब चेहरे पर तेजाब वगैरह पड़ा था और चेहरे से पहचान नहीं हो रही थी, गर्दन कटी थी लड़की की, पीड़ा पीड़ा पड़े थे उसमें, और उन्होंने देखा मतलब शरीर से तो ऐसी लग रही थी। तो हम उस लड़की को लेके आए थे और उसका मैंने दाह संस्कार किया था मतलब, और उसके बाद मेरी लड़की बरामद हो गई है। तो लड़की आज जिंदा बरामद हो गई? लड़का लड़की दोनों? दोनों लड़का लड़की आज जिंदा बरामद हो गए दोनों। तो यदि लड़की आपकी हत्या नहीं हुई थी फिर वो लड़की कौन थी, कुछ आइडिया है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं। इसका आपने दाह संस्कार किया था? दाह संस्कार किया, वो पुलिस ने मुझे तो बुलाया फोन करके, और पुलिस ने मतलब लड़की की थी मुझसे रही। क्या मानते वो कोई षड्यंत्र तो नहीं था? कोई षड्यंत्र ही था उसमें तो मेरी नजरों में। क्या लगता है आपको कौन लोग शामिल हो सकते हैं? कौन लोग वही हो सकते हैं जो मतलब जो मैंगानी के लोग हैं? लड़का पक्ष? हाँ लड़का पक्ष। कौन कौन है वो लोग? वो लोग मतलब राजकुमार हैं। अभी क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि मतलब हमारी जो मतलब लड़की आई है वो हमारी वापस होनी चाहिए। क्या लड़की शिक्षिका भी थी? लड़का लड़की शिक्षिका थी, वही लड़का पढ़ाता था, वही लड़की पढ़ाती थी।